हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भेल शेयर को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज डेफिनेटली एक रेंज में तो शेयर घुसा ही है, लेकिन हाइयर लेवल से आज गिरावट इस काउंटर में बढ़ी हुई है। ऑलमोस्ट आई थिंक सो 133.80 का आज का इंट्राडे हाई था, और वहाँ से लगभग 129.20 तक का आज क्लोजिंग आता हुआ देखने को मिला है। तेज़ी टिक नहीं पा रही है, रेंज बाउंड कैटेगरी में काउंटर ट्रेड कर रहा है, और क्या होंगे कल के लेवल सब पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर जगह ले। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि ये काउंटर जो है FNO बैन के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है, तो जिसके कारण डेफिनेटली तेज़ी में ऑलरेडी फ्रीजिंग लगती हुई देखने को मिलती है। जब भी काउंटर FNO बैन में जाता है तब तब तेज़ी जो है वो काफ़ी स्लो होती हुई देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर अगर लास्ट 5 डेज़ में देखेंगे तो एक रेंज जो बनी है वो रेंज मैं आपको बता देता हूँ। वो रेंज है दोस्तों 127 से लगाकर 134 की। आज उस हाइयर रेंज को स्टॉक ब्रेक करने वाला था, लेकिन मार्केट में एक गिरावट आती है और मार्केट की गिरावट के कारण ही इस काउंटर में इतनी फॉल आता हुआ देखने को मिलता है। वरना अगर आप आज की वॉल्यूम में देखेंगे तो कल की वॉल्यूम से आज की वॉल्यूम में ज़्यादा तेज़ी आती हुई देखने को मिली है। लेकिन डेफिनेटली एक दिन तेज़ी दूसरे दिन गिरावट, एक दिन तेज़ी दूसरे दिन गिरावट, ऐसा मोमेंटम जो है इस काउंटर में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। डिसाइसिव ब्रेकआउट जो है वो अभी तक नहीं बनता हुआ देखने को मिला है। रही बात दोस्तों आज की दिन की रेंज की, तो मैंने बताई दिया है 133.70 का हाई और 128.20 का इंट्राडे का लो। एंड अगर अपन बात करें यहाँ पर आज की ब्लॉक डील्स की, तो डेफिनेटली 32 ब्लॉक डील्स आज इस काउंटर में हुई है, लेकिन FNO डेटा बता रहा है कि स्टॉक में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई देखने को मिली है। यानी कि लोगों ने जो लॉन्ग्स थे वो अब सेल करते हुए देखने को मिले, दैट्स व्हाई आज लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई देखने को मिली। और कहीं ना कहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो प्रेशर था वो भी आज इस काउंटर में बनता हुआ देखने को मिला है। रही बात स्टॉक के 52 हफ्तों के हाई की, तो 13.5% नीचे काउंटर ट्रेड करे अपने 52-week highs से। एंड यहाँ पर अपन बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो पहले जो काउंटर का ट्रेंड था वो वेरी बुलिश था, लेकिन अभी ट्रेंड बदलकर बुलिश हो गया, तो डेफिनेटली ये एक आपका ऐसा इंडिकेशन रहता हुआ देखने को मिला है। बाकी अगर आज की वॉल्यूम की बात करें तो कल से आज वॉल्यूम अच्छी आती हुई देखने को मिली, और डिलीवरी मार्कअप भी कल से काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात स्टॉक के सेंटिमेंट्स की, तो 100% लोग बुलिश है स्टॉक का ट्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड ओवरऑल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो आज आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने टच कर ही लिया था, लेकिन जैसे ही टच किया वैसे स्टॉक में फॉल आता हुआ देखने को मिला है। तो अब डेफिनेटली यही होगा 134 का जो लेवल है, जब तक स्टॉक 134 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ब्रेकआउट नहीं बनता हुआ देखने को मिलेगा। एक बार अगर 134 के ऊपर शेयर निकल गया तो उसके बाद डायरेक्टली 140 रुपीज़ और उसके बाद 145 रुपीज़ तक के लेवल बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो अब डेफिनेटली 134 आपको काफ़ी ज़्यादा देखना होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो अच्छी तेजी बनती हुई देखने को मिलेगी, वरना एसी रेंज में 128 से लगाकर 134 की रेंज में ये स्टॉक आपको घूमता हुआ देखने को मिलेगा। रही बात दोस्तों स्टॉक के चार्ट्स की, तो यहां पर आप चार्ट्स पर देख सकते हैं, ज्यादा कुछ तो चार्ट्स पर नहीं है, बट ये जो टाइम फ्रेम है ऑलमोस्ट सितंबर एंडिंग से अभी अक्टूबर 15-16 की बात करें तो ये एक कंसोलिडेशन का जोन है जिसके अंदर ये स्टॉक फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस कंसोलिडेशन का जो असली ब्रेकआउट है वो अपने को डेफिनेटली 134-135 के ऊपर आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे एनालाइज करेंगे तो लास्ट 1 मंथ के अंदर एक बार भी स्टॉक 135 के ऊपर नहीं गया, तो अब डेफिनेटली स्टॉक को ब्रेकआउट देना होगा। और अगर इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल वापस से दोस्तों अप कैंडल में बनती हुई देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली ये जो लेवल मैंने आपको बताया है, जब से मैं इस बात पर डिस्कस कर रहा हूँ, इस लेवल को आप फोकस रखिए। एंड ये लेवल अगर टूटेगा तो हाईएस्ट साइड पर 140 से 148 रुपीज़ तक की जगह भी इस काउंटर में बन सकती है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इस काउंटर में खरीदारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दिस वीडियो।